भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस चुनावी मैदान में आरा से विधायक सुदामा प्रसाद पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वहीं काराकाट से राजा राम सिंह को भाजपा माले ने मैदान में उतारा है। इधर नालंदा से विधायक संदीप सौरव को पार्टी ने मैदान में उतारने की तैयारी की है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने बिहार में भाकपा माले को अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए मात्र 3 सीट दी है। आरा से हमारी पार्टी के 2 बार तरारी से विधायक और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजा राम सिंह लड़ रहे हैं और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अगियाओं का होने जा रहा है वहाँ से आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। किसी मुस्लिम को सर उम्मीदवार नहीं बनाया आपने?